फैसिलिटी। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड की रसमलाई, जो बनाने में बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही आसान होती है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए हमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, 5 वाइट ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इसमें हम ब्राउन ब्रेड का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली वाइट ब्रेड का ही यूज करेंगे। 2 पिंच हमने केसर लिया है, 1 टीस्पून हमने पिस्ता लिया है, 8-10 हमने बादाम लिए हैं, 50 ग्राम चीनी ली है और 1/2 छोटा चम्मच हमने इलायची पाउडर लिया है। सबसे पहले हम दूध को गैस पे रखेंगे और इसको जितना दूध है उसका हम आधा होने तक उसको पका लेंगे। सबसे पहले हम गैस का फ्लेम फुल रखेंगे और गैस को दूध को गर्म होने देंगे। जब तक हम इसमें उबाल आता है इसको फुल फ्लेम पे गरम कर लेंगे। उसके बाद हम गैस का फ्लेम लो मीडियम कर देंगे और इसकी आधी क्वांटिटी तक हम रख लेंगे। दूध में उबाल आ गया है, अब हम गैस का फ्लेम लो मीडियम कर देंगे और हमने पिस्ते काट लिए हैं और अब हम बादाम को भी काट लेंगे। जब तक हमारे दूध की कंसिस्टेंसी जो है वो आधी नहीं रह जाती, तब तक हम हमारे ड्राई फ्रूट्स को काट लेंगे। हमारे दूध की कंसिस्टेंसी है जो आधी रह चुकी है। इस तरीके से हमने साइड में जो मलाई लग रही थी आ रही थी उसको हमने धीरे धीरे करके हटा के दूध में मिक्स कर दिया है और अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस प्रकार की हो गई है। अब हम इसमें हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं पिस्ता आधे हम डाल देते हैं और आधे हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। बादाम चीनी इलायची पाउडर और ये केसर डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और वापस से हम इसे आधे रहने तक और पकाएंगे। रबड़ी हमारी तैयार हो गई है। अब इसको ठंडा होने के लिए मैं 1/2 घंटे के लिए फ्रीज में रख देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। अगर हम गर्म रबड़ी में डालेंगे तो हमारे ब्रेड के स्लाइस हैं जो टूट जाएंगे, तो इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ये 1/2 घंटे बाद हमारी जो रबड़ी है वो एकदम ठंडी हो गई है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक भी हो गई है। अब हम सबसे पहले जो हमारे ब्रेड हैं इनको कट करेंगे। इस तरीके से कट कर लेंगे। मैंने ये कुकीज़ कटर का यूज़ किया है, आप चाहें तो छोटे ग्लास से या किसी से भी काट सकते हैं। इस तरीके से हम काट काट के रख लेंगे। आपके पास छोटा ग्लास कटोरी जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका यूज करके सही। हम ग्लास से भी इस तरीके से थोड़ा सा घुमा देंगे और काट लेंगे इस तरीके से। सारे ब्रेड के स्लाइस को कट कर लेंगे। देखिए सारे ब्रेड के स्लाइस हमने कर लिए। अब जो हमारे पास ये बचा हुआ है इनसे हम ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं, इनको हम वेस्ट नहीं करेंगे, ब्रेड का हलवा भी बना सकते हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए पहले हम रबड़ी डालेंगे थोड़ी। और जो हमने ब्रेड की कटिंग करी ये डालेंगे, इसको 2-4 सेकंड के लिए डीप करेंगे ताकि इसमें अच्छे से ये रस अंदर तक चला जाए और फिर इस तरीके से निकाल लेंगे। एक और डाल देते हैं एक पीस और निकाल लेते हैं। ध्यान रहे हमें कभी भी गरम रबड़ी में नहीं डालेंगे, नहीं तो जो हमारी ब्रेड है वो टूट जाएंगे बीच में से। अब इसे हम गार्निशिंग कर देते हैं, ऊपर से थोड़े से पिस्ते डाल देते हैं जो हमने पहले बचाए थे। बादाम डाल देते हैं। थोड़ा समय ये
पिस्ता वो डाल देते हैं ताकि जो रसमलाई वो अच्छी दिखे। देखिए कितनी अच्छी रसमलाई बनी है, जितनी अच्छी ये दिखने में है उतनी अच्छी खाने में भी काफ़ी टेस्टी है। हमारी रसमलाई बन के तैयार है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी रेसिपी बना के ट्राई कीजिए। आपको कैसी लगे उसका एक्सपीरियंस आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।